हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल इंग्लिश ट्रैक वन सेकेंड। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बताते चले कि अभी इसी सीरीज में मैंने कई सारी वीडियोस लास्ट वीडियोस अपलोड भी कर दी थी, जिसमें से रेनेसा मूवमेंट, ह्यूमनिज्म मूवमेंट, रिफॉर्मेशन और एलिजाबेथन ड्रामा, उन सभी से रिलेटेड मैंने कुछ एक वीडियोज़ बनाई थी। सो प्लीज़ आप जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके दिए हुए हैं, तो आप जा करके उन सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में एक तरीके से शॉर्ट इंट्रोडक्शन एलिजाबेथन ड्रामा में दिया भी था कि यूनिवर्सिटी विट्स होते कौन हैं और क्या चीज़ इनसे रिलेटेड होती हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, ये एक अलग से वीडियो है और पूरी डिटेल से जानेंगे कि कौन लोग होते हैं और क्या चीज़ें इनसे रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं वो ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स था, जिसमें कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लोगों को स्कॉलर्स को रखा जाता था, ठीक है, जिनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा रेनेसेंस, मतलब उसको लेके आने में, रेनेसेंस मूवमेंट को इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा इसी इन्हीं लोगों की वजह से, ठीक है। और इन्हीं लोगों की वजह से भी जो शेक्सपियरियन ड्रामा, शेक्सपियरियन ट्रेजडीज वगैरह भी काफ़ी सारी फ्लोरिश हुए, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन लोगों ने वे तैयार किया था शेक्सपियर के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल तो अपनी स्लाइड को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स है ना, तो उसमें से ये तीन लोग हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्रिस्टोफर मार्जलोव का, तो ये याद रखना होगा। क्रिस्टोफर मार्जलोव एक तरीके से बोल सकते हैं कि बेस थे पूरे यूनिवर्सिटी विट्स के, ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रॉबर्ट ग्रीनी, थॉमस नैश, ठीक है, तो ये तीन लोग हैं जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ठीक है, CAMBRIDGE कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और स्कॉलर्स थे। और इन तीनों लोगों के बारे में भी हम लोग फिलहाल आगे डिस्कस करेंगे कि क्या इन लोगों ने किया। फिलहाल आप यहाँ पर से इन लोगों का नेम वगैरह सही से नोट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फिर चलते हैं आगे की स्लाइड की तरफ, तो फिर क्या आता है हमारा, ये तीन लोग जो हैं, बाकी के तीन लोग हैं, तो ये छह हमारे हो गए पूरे टोटल। ये अभी मैंने जो अभी तीनों को बताया था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और ये लोग हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े, OXFORD ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हो, ठीक है, तो ये वहाँ के स्कॉलर्स हैं, वहाँ के माने जाते हैं। तो उसमें से जॉन लिली, थॉमस लॉर्ड जी और जॉर्ज विली, ठीक है, तो ये तीन लोगों के नाम हैं यहाँ पर से, आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स, मैंने एक और भी चीज़ बताई थी आप लोगों को उस वाले वीडियो में भी कि थॉमस किट जो हैं वो ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उनको यूनिवर्सिटी विट्स में रखा जाता है क्योंकि वो भी इन लोगों के तरीके काफ़ी अच्छे थे, उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, इस वजह से लोग उनको भी यूनिवर्सिटी विट्स में, ऐसा यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में शामिल करते हैं। लेकिन उनका स्कूल आप यहाँ पर ध्यान लीजिए, मर्चेंट टेलर स्कूल से, वो केवल स्कूल लेवल पर पढ़े हुए थे, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट वगैरह नहीं थे। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, लेकिन ये मर्चेंट टेलर स्कूल से केवल एक स्कूल लेवल पर ही पढ़े थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ एक तरीके शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने नोट्स की तरफ, जहां पर आपको और भी बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं द यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली वाली लाइन पे, द प्री शेक्सपियरियन ड्रामिस्ट्स आर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। जो प्री शेक्सपियरियन ड्रामिस्ट होते हैं उनको हम लोग, यानी कि जो शेक्सपियर से पहले के जो भी ड्रामिस्ट थे, ठीक है, शेक्सपियर तो एक ग्रेट ड्रामिस्ट थे रेनेसेंस पीरियड के दौरान में, और इससे पहले जो भी शेक्सपियर से पहले जो भी ड्रामिस्ट थे, जिससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने भी काफ़ी सारे ड्रामास और ट्रेजडीज कॉमेडीज़ वगैरह की को लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिक्स, ठीक है। तो द प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिक्स आर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, उन लोगों को यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन पे, द यूनिवर्सिटी विट्स वर 6 ऑक्सफोर्ड मैन। यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया भी कि ये लोग क्या एक तरीके से 6 ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए और या फिर कैम्ब्रिज के पढ़े हुए मैंस थे, एजुकेटेड मैन, इसमें से जॉर्ज लिली, थॉमस लॉर्ड जे, जॉर्ज विली, क्रिस्टोफर मार्जलोव, रॉबर्ट ग्रीनी एंड थॉमस नैश, इन ये 6 लोग हैं। और ऑल्दो जो एक तरीके से यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि थॉमस किड वॉज द एजुकेटेड एट द मर्चेंट टॉयलर्स स्कूल, सो
मर्चेंटाइलर्स स्कूल से वो पढ़े हुए थे, ठीक है, तो और लंदन, जो कि लंदन में है, ठीक है। तो ये जो रही बात है, तो ये आप लोगों को वैसे भी पता है, फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर से नोट डाउन वगैरह या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि येट ही इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज, फिर भी उनको यूनिवर्सिटी ग्रुप के ग्रुप ग्रुप में शामिल किया जाता है, ठीक है। थॉमस की इज अ बेस्ट नोन फॉर, उनकी एक बेस्ट नोन है क्या, वो किससे किसके लिए जाने जाते हैं, तो द स्पेनिश ट्रेजेडी। ये शायद मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि उनकी बहुत ही ज़्यादा केवल इनके वर्क था द स्पेनिश ट्रेजेडी, जो कि काफ़ी इंप्रेशन, जिसकी वजह से इनके जीवन पर काफ़ी इंप्रेशन पड़ा, और ऐसा यूनिवर्सिटी लोगों ने इनको यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में ऐसा इन लोगों ने स्वीकार करा, ठीक है, एक्सेप्ट किया कि हाँ ये भी यूनिवर्सिटी विट्स के एक तरीके, विट्स का मतलब क्या होता है कि चतुराई चालाकी है, ठीक है, तो उसी को उस चीज़ को उस चीज़ के लायक हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थॉमस नेस एंड अ क्रिस्टोफर मार्लो वर द एक्टर्स, ये जो थॉमस नेस थे और क्रिस्टोफर मार्लो जो हम बता रहे जो बेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो लोग हैं, तो ये दोनों लोग जो हैं यहाँ पर वो एक तरीके से ड्रामेटिक्स जो थे ही, साथ ही साथ में एक्टर्स भी थे, ठीक है, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि दे वर रोमांटिक इन देयर एटीट्यूड, और वो अपने एटीट्यूड में क्या रोमांटिक भी थे, रोमांटिक का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नेचर से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ों से रिलेटेड लिखते थे, ठीक है। रोमांटिक का अभी रोमांटिक एज भी आएगी, ठीक है, रोमांटिक एज में हम लोग जानेंगे कि कितने ज़्यादा लोग किस तरीके से नेचर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं इन सारी चीज़ों से लेकर, ठीक है, तो रोमांटिक उसी को टर्म को बोलते हैं। तो वो अपने साथ ही साथ में रोमांटिक एटीट्यूड में एक सब बोल सकते हैं कि अपने जो भी थे रोमांटिक इन देयर एटीट्यूड, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन पर क्या देख सकते हैं कि द स्टाइल ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स वॉज अ हीरोइक, उनकी जो स्टाइल्स थी लिखने की बहुत ही ज़्यादा हीरोइक थी, ठीक है, ऐसा लगता था कि कोई थिएटर फॉर्म में किसी चीज़ को परफॉर्म करना हो, ठीक है, ड्रामा जो भी ड्रामा वगैरह लिखते थे, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से और हीरोइक लिखते थे, स्मार्टनेस के साथ लिखते थे, एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी, और इन लोगों की वजह से जो रोमांटिक कॉमेडी थी, रोमांटिक कॉमेडी का मतलब आप समझते होंगे जो एक तरीके से कॉमेडी भी हो और इसमें थोड़ा सा रोमांस भी दिखाया गया हो, ठीक है, तो जो रोमांटिक कॉमेडी थी उसके फॉर्मेशन में इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके बाद द कॉमेडीज ऑफ अ लिली, जो अब लिली की बात आती है यहाँ पर, द कॉमेडीज ऑफ अ लिली आर द रोमांटिक एज वेल एज विटी, जो थॉमस लिली, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना थॉमस लिली इनके बारे में, तो वो उनकी जो कॉमेडीज थी वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थी एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा विटी भी थी, मतलब विटी का क्या मतलब यहाँ पर लिखा भी है कि खुशी देने वाली, ठीक है, विटी थी, और दीज ड्रामेटिक्स प्रिपेयर द वे फॉर द लेटर ट्रेजडीज, और इन्हीं लोगों की वजह से क्या लेटर ट्रेजडीज का एक तरीके से वेद भी तैयार हुआ था। लेटर ट्रेजडीज का मतलब कि जो समय था वो ट्रेजडीज का आया, ठीक है, और इन्हीं लोगों ने क्योंकि स्टार्टिंग तो ऐसा कर दी थी, और फिर शेक्सपियर ने आके बहुत सारे ट्रेजडीज वगैरह दिया, ठीक है, इन दिस वे वी कैन से दैट, ठीक है, कि दे ऑल्सो प्रिपेयर द वे फॉर शेक्सपियर, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इन्हीं लोगों ने ही शेक्सपियर का वे भी तैयार किया था, और शेक्सपियर इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थे, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी टाइम के दौरान में जो शेक्सपियर थे उन्होंने बहुत सारे ड्रामास वगैरह लिखा थे, जैसे कि आपका हो गया बोल सकते हैं आप कि मेलो ड्रामा हो गया, और भाई कई सारे ड्रामास थे, जैसे कि शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामास हैं, जैसे आप यहाँ पर जान सकते हैं हेमलेट हो गया, और आप लोगों ने मैकबेथ भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये सारे जूलियस सीजर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं शेक्सपियर आर्ट के काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप चाहें तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी विच प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द हिस्टोरिकल प्लेस, और उन लोगों ने हिस्टोरिकल प्लेस के लिए भी ग्राउंड को क्या प्रिपेयर किया, आप जैसे कि देख सकते हैं कि शेक्सपियर किस तरीके से उनसे प्रभावित हुए थे, तो शेक्सपियर्स मार्लो, जैसे कि जो मार्लोव का एक रचना थी एडवर्ड सेकंड, है ना, तो उनका एक वर्क था क्रिस्टोफर मार्लोव का एडवर्ड सेकंड, जिससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने रिचार्ड सेकंड को लिखा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि किस तरीके से जो शेक्सपियर थे उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए, और उन्होंने भी अपने वर्क्स में ऐसी चीज़ों को शामिल किया, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या लिखा है कि माजलोव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ द ब्लैंक वर्ड्स। जो माजलोव थे, क्रिस्टोफर माजलोव थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेस्ट यूज़ किया है, दिया है ब्लैंक वर्ड्स में। उनके काफ़ी सारे वर्क्स जो थे पब्लिश हुए, काफ़ी इफेक्ट डाला ब्लैंक वर्ड्स में, ठीक है। तो जो उनके कुछ आप लोगों को ध्यान भी रखना है कि जैसे कि कुछ जो ऑफ माल्टा और एडवर्ड सेकेंड, ये सब इनके वर्क्स थे। वॉज द फेमस प्लेज ऑफ आ माजलोव, ही राइजेज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामा टू द हाइयर लेवल। जो उस तरीके की चीजें थी वो, सॉरी, तो फ्रेंड्स वो तो चलिए हो ही गया था, कंप्लीट भी हो गया था, और फिलहाल तो मोबाइल ने आधा अपना काम पूरा भी कर दिया, अब क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एक तरीके से यहाँ पर जो भी जो भी उनके वर्क्स हैं कुछ वही हैं, 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं, हर एक का तो नहीं, ठीक है, याद करने के पर्पज़ से कुछ कुछ आपको ध्यान रखने हैं, केवल लिख करके आना है, अगर आप इतने भी लिखेंगे तो भी बहुत काम चलेगा। तो यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लोव के आपको 4 यहाँ पर केवल आपको ध्यान रखने हैं, इनके वर्क जो भी हैं, जो ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड तो आपको पता ही है, डॉक्टर फ्यूस्टस और टम्बरलेन, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं। कोई प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए भाई पहले से माफ़ी, क्योंकि ये मेरे साथ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि थॉमस किड, ये अपने स्पेनिश ट्रेजडी के लिए जाने जाते हैं, तो आपको पता ही है। उसके बाद जो जॉन लिली हैं वो उनके कुछ ऐसे इस तरीके से वर्क्स हैं जैसे कि मिडास हो गया, शाहो शापो एंड पाहो, और वुमेन्स इन द मून, ये कुछ एक हैं इनकी जिसमें कि आप लिख सकते हैं, ठीक है, जाकर के एग्जामिनेशन कॉपी में। और इस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप भी अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जो भी ग्रेजुएशन वगैरह की कॉपी होती है उसमें इस तरीके से पॉइंट्स में आंसर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी मैम ने बताया था और आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीनी जो हैं उनके वो किसके लिए जाते हैं, आ लुकिंग ग्लास ऑफ लंडन एंड इंग्लैंड, ये सारी चीज़ें कुछ एक ऐसे उनके वर्क्स थे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के साथ में जो शेयर किया, सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो फिलहाल आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वन सेकेंड।